सबसे पहले मतलब मेरे पति और मेरे कैसी मुलाकात हुई, कैसे यार मतलब तो मतलब थप्पड़ भी मारा था, मेरे को ले जा भी रहे थे, पर मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ये लड़की बनकर उसने मेरा नंबर लिया, फिर इनका फोन आया उस दिन एक बारी। मैं तादी वास्ते यू चुनने ली, मैंने चुंदड़ी लत्ता लिया, लत्ता के कराई इनकी भाषा। राम राम जी सारे ने, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरी बहन है चैनल पर पहली बार आई है, प्लीज़ जाके एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और भाई आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दिया, डेली की तरह आज भी मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। जो भी दिन की दिनचर्या होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया यही कोशिश रहा है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा ब्लॉग बना सके और आप लोगों का मनोरंजन कर सके। पर आजकल घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है भाई, जिसके कारण ज़्यादा मन नहीं करता। और आजकल डीजे वाले ने बहुत कान खा रखे, क्योंकि कावड़ ये जान लग रहे हैं तो कम से कम 10-15 बार एक डीजे बजे दिन में, रोज जाऊँ इतनी भर भर के गाड़ी। तो भाई आज भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है गली में, बाहर गुन्नू और जा रहे हैं बानू का मम्मा मम्मी तो डीजे पे नाच नाम का नाच रहे हो बेटा, जब थम बड़े हो गए थम भी कावड़ लेने जाइयो। और भाई कितने जने बेचारे कावड़ लेने जा रहे हैं, इतने भाग भाग के आओ हैं। मैं तो ज़्यादा उरले कानी देखा, हमारे कानी को नहीं हो सिस्टम मैंने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर बेचारे कईयों के नुकसान भी बहुत हुआ है, कहीं मतलब सुरक्षित घर भी पहुँचे। बस यही दुआ करते हैं भोलेनाथ है कि सब ने बस सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचा दिए। हमारा डुगुस हो गया है आप लोगों के साथ दिन, और कुछ काम में को नहीं क्या था, डुगुस हो गया, डुगु उठ गया, डुगुस हो गया, तो इसका काम में यूँ ही है खाना पीना सोना। तो मेरे दादी वास्ते यू चुनने ली, मैंने चुंदड़ी लत्ता लिया, लत्ता के कराई इनकी भाषा में। तो भाई बहुत ही अच्छा बर्दोक है, सही हो जाएगा मतलब नरम हो जाएगा। यूँ मेरे दादी वास्ते सूट लिया है, सारे दिन हुआ भाई अपने अपने से मान दे रहे हो, दादी का कुछ लेन दे। दो सूट मेरी दादी के बेड में धरे हैं, एक सूट यूँ है और तीन सूट हो गए मेरी दादी पर सिमाने में। तो मतलब बहुत सारे मेरी दादी के, पर मतलब कलर खुद मेरी दादी को पसंद आ दे तो यूँ सूट सिलाएंगे हम अपनी दादी का। पर सबसे मेन बात पता है क्या, जान के लिए तो हम बहुत सारे लिया सकते अपनी दादी के, पर मेरी दादी के पास पूरे टेलर ही को नहीं सा मिलता जिसे मेरी दादी का सूट सिले। आप लोग बता दो कड़ी, आप लोग कह लो दो रहे हो, आप लोग सीम दो जैसे मेरी दादी पह रहे इसे गले वाले सूट। वो मेरी पसंद का कोई सीमता ही कोई नहीं है, कोई बांगा टेंडा या सीधी सीधी कुर्ते कलर का था आए नहीं। का संकट रहा सूट में एक मेरी फ्रेंड है भाई संद की नई बन रही है, वो मेरी सब्सक्राइबर है, तो उस तक कहूंगी कि मेरी दादी का सूट सी मनांदा हो नहीं तो सूट सी मिली है बेबे। कमेंट कर दियो, वीडियो देख दी होगी जे टाइम लगता हो तने वीडियो देखने का, तो नहीं कोई कमेंट करिए जब तने इसे सूट सी मनियाऊंगा नहीं, कल ही तेरे दोनों सूट पहुँचा दूंगी मैं अपनी दादी के। और किसी ने मेरे सिर्फ ये सूट पता किसने सी मनिया हुआ है, मेरी दादी की भाभी ने वो सी मैं, पर उन्हें टेम को नहीं। मतलब कुछ दिन पहले हमने ब्लॉग बनाया था, मेरी दादी की भतीजी है उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो अभी तक ठीक नहीं है, उनके 2-3 ऑपरेशन बन लिया अभी इस महीने में। तो मतलब उनकी मेरी दादी की जो भाभी है उनकी तो वहाँ जा रही है, सेवा बाड़ी कर थोड़ी और सिर्फ ऑपरेशन बन रही है और ये गुनू ले आया था भाई किंडोज़, ये नए वाले किंडोज़ आ रहे हैं, पता नहीं किंडोज़ है किंडो टॉय के करेंगे इसका सूट का सुनार का बढ़िया सूट मैंने अपने पसंद का ले रखा बैठ कर दिया बंद। अब इसने डस्टबिन में डाल दो, चप्पू लिया था खोलने वास्ते उनको नहीं खुल रहे थे इतना दिमाग का खुलता नहीं। और हेलो हेलो नमस्ते हाय परू, क्या मजे कर रहे हो? मासी का फोन आया। तो भाई मेरी दीदी की वीडियो कॉल आई थी, वो कहीं पे जा रहे तो मैंने काम का एंजॉय करो क्यों डिस्टर्ब हो रहे ऐसी, बच्चे भी है साथ में उनके भी, वही छोटा सा बच्चा दीबू से बस 2-3 महीने छोटा, एक बड़ी बेटी है जो कनिष्क से मतलब 1 साल बड़ी है। तो मैं उरे बैठी थी, कनिष्क को था मम्मा मेरी वीडियो बना मैं साइकिल चलाऊँगा साइकिल चलाऊँगा। इस देखे आगे हो रहा आज देखिए स्कूल का मैंने तो नाम भी नहीं लिया, अनु को मेरी छुट्टी है और मैंने कहा अगर छुट्टी खत्म हो गई अब स्कूल जाना, अनु को नहीं मेरी तो छुट्टी खत्म है। एक दो वो आ गुन्नू आपके यहाँ पे, फिर दो भाई है आप ठीक है। आज इतने मजे किए इसने बारिश में, बहुत मजे किया, फिर भी नहीं मेरा मन नहीं भरा मम्मा मैंने तो और ना आए थे साइकिल इसकी, और साइकिल इसने बारिश में खड़ी करती फिर इसका जर लग गया और ख़राब हो जाएगी। मेरे को भी बिठा ले रहा, इतना बढ़िया था यू आगे और सारा तोड़ दिया।
अब इसमें चीज कौन लाएगा, कैसे लाओगे अब सामान? कितना बढ़िया साइकिल था देखना, ऐसे था ये। अब इसमें चीज भी नहीं रख के जा सकते आप। पापा मैं पापा मैं कैसे लाऊं? न्यू का आप मेरे पापा भी और मम्मी भी हो, न्यू का पापा मैं कैसे लाऊं? रात का मम्मी सोन लग रहे, न्यू का मम्मी आप मेरे पापा भी हो मम्मी भी हो, और दीपू, दीपू नहीं, दीपू गंदा, दीपू का पापा नहीं हो आप मेरे पापा हो। दीपू दीपू रह बैठेगा पीछे और आप आगे बैठोगे, ठीक है? ठीक है दीपू, सोन लग रहा है, सो जा, नहीं दादी गुस्सा हो जाएगी, दादी सारे दिन परेशान हो है। आ जा कपड़े खेल ले बेटा, एक तो गली में नहीं जाइए, गली में बहुत कीचड़ है आज, पूरी खेलिए ठीक है। ये कपड़े क्या मैं गंदे कर दिए, कड़े बनाए थे देखिए, सारे कपड़े कर दिए गंदे, उल्टे काम करता रहा सारे दिन, पूरे को तो मैंने अच्छे से धो दिया था पर अकल नहीं दूंगी है। मेरा स्टंट देख, मेरा इसको उर्दू समझ भी नहीं आती मेरे बेटी, मेरा स्टंट देख, ये स्टंट है आपका। ओ बस 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 नीचे गिर जाएगा। मेरे पापा ने वही बताया था कि भाई इसकी थोड़ी सी जुबान तो थोड़ा सा बोल रही हूँ, तो एक वो बताया था पंसारी का मिलेगा, उसका नाम क्या था मैं तो भूल गई, सुहागा की मतलब सुहागा पंसारी का मिलेगा, और पूरे उरे को लाना तवे के ऊपर, गिरना हो ताते तवे के ऊपर तो वो फूल जाएगा, तो उसको हाथ में से मरोड़ के और इसके जीभ में लगाना बस दो तीन बारी, तो उससे ठीक हो जाएगा, बच्चों की खांसी भी नहीं रहती उससे। तो कि मैं जब भी कभी बाजार जाऊँगी और मैं यहाँ उ पता कराऊँगी दुकान पर तो मिल जाएगा, तो गुन्नू की जीभ में लगाऊँगे तो गुन्नू बिल्कुल अच्छे से बोलने लग जाएगा। और मेरी दादी को ठीक है, मामा के घर के बादाम खावा नहीं बच्चा, तो उससे भी बोलने लग जाए, तो मैंने अपने पापा से यह बात कही, मेरे पापा ने कहा कि बादाम कोई बड़ी बात है, बादाम भी ले आ देंगे, तो मेरे मम्मी पापा भी नानू आएंगे, नानी भी चार पाँच दिन में, मामू नहीं आएगा, मामू के तो कॉलेज लग गए, अब मामू के तो अभी एडमिशन शुरू, एडमिशन तो ले ली, कॉलेज जाओ भाई डेली, इतना टाइम किसके पास हो, पर मेरी मम्मी पापा क्या बता सकते हैं, आजकल तो सावन का महीना चला हुआ, तो मेरी मम्मी क्या वर्त हुआ सावन के, और मेरे पापा भी इतने बिजी हो, पार्ट फूट में कल एक पार्ट खत्म हो या फिर आज किसी और के वहाँ चले गए, चार पाँच दिन का पार्ट वहाँ पे है, इतने बिल मतलब फ्री को नहीं, मतलब बहुत ही आजकल हार्ड वर्किंग का काम चल रहा है, टमाटर लगाने लग रहे हैं, मक्की की गुड़ाई, टमाटर और दालें वगैरह बो रखी है, उड़द की, मतलब हर एक चीज़ का बिजनेस हो आजकल, क्योंकि बरसात आ गई नेचुरल पानी का, मतलब क्योंकि वहाँ पर पानी की पहाड़ों में बहुत दिक्कत हुआ है आजकल, तो ज़मीन पर भी बहुत पानी आवा है, जैसे बादल गरजे जाते तो ज़मीन पर उतना ही ज़्यादा पानी आवा है। तो भाई आज दीपू इतना मस्त आ रहा, आज बाबा बाबा पापा पापा कहने लग रहा हूँ तो डेली को, पर आज तो देखिए 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 छोड़ी दादी इसने, देखिए 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 ये तरी का बस ले मन है दादू, कूद नाच के दिखा दे, कूद के दिखा एक बार, देखिए कूद के दिखा, कूद के दिखा एक बार, ओ नाच दे, मैं नीचे नहीं बैठना बेटा, मत चल नीचे, तो हेलो दीपू, दादू 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 सुंदर बेटा, दादू पापा कहाँ गया पापा, बेटा पापा घूमने गया पापा, दादू कहाँ गया, दादू नाच क्या दिखा दे, ठुमका ले रहे, ठुमका जाना है, ठुमका दीपू ठुमका लगा दे, एक ले दे सपना चौधरी का ठुमका लगा दे, ले दे ओ पापा, ओ पापा गुस्सा हो इसके, गुस्सा ये मेरी बोकली पापा, ये मेरी बोकली बार पड़ी, ठुमका लगा दे, ठुमका कहिए पापा, रोटी पहुंची मैं रसोई में, फोन को ले बस, दादी ने बुलो बुलो के बाहर रखा कि ये आ गई चिड़िया रसोई में, मेरी आवाज सुना गिटर बड़ा मजा जाएगा, और फिर खंडे अनुदान खातिर कोसन खातिर चीज ले, इनको अब लन दे मैं रोटी पाऊंगी मम्मी, रहने दे बेटा डब्बा में रोटी, चिड़िया इसमें अटे मुट्ठी भर है,
और गुन्नू ने आज पता क्या करा, मेरे आटा छाणू थी रोटी वास्ते टंकी में, तो उसमें सारा आटा उस पर लीप दिया काट काट के, मैंने टंकी का ढक्कन पटक दा सुनिया मैं रुक तो बाज गया चाची और कहना तो रोटी बहुत ओड़ी कार्टून देखा सो गया चाची और सोन लग रहा, और इतनी वार हो रही मैंने लेना पड़ेगा वो गोती उठा कर लेना पड़ेगा। आज मेरे बेटे का बहुत ज्यादा उल्टी लग गई, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसने बर्गर खाई, और बर्गर आप लोगों को पता है कितनी बेकार हो तली हुई हुआ, तो मेरे देवर आज बाहर जा रहा था शहर जा रहा था, तो उस वास्ते बर्गर लिया पर उसने खा के उसकी इतनी उल्टी लगी कुछ हुआ, आज बारिश में भी भीग गया था और खांसी सी भी हो रही थी, और मैं इतना घूम कर इतना बर्गर ना खुआ करो फिर भी खुआ दी, पर चलो भाई अपना अपना प्यार दिखावा सारे जने गुन्नू तो यूँ खुआ दे मैं नहीं कर मुका फल फ्रूट लिया करो इस वास्ते तली हुई चीज़ें नहीं लिया करो, और गुन्नू भी हटता को नहीं खान तो नहीं सोचा जमा मैं तली हुई चीज़ें खुआ दो दुकान की चीज़ इतनी परेशान होली मैं तो क्या क्या पर मानता ही कौन ही। और भाई ये मेरी बहनों के कमेंट आने लग रहे थे कि दीदी आप अपनी लव स्टोरी बताओ लव स्टोरी बताओ, मतलब कहने के लिए तो मतलब एक आसान सा शब्द है कि अपनी लव स्टोरी पता नहीं कितनी अच्छी लव स्टोरी होगी क्या कुछ, पर मतलब जितनी अच्छी लव स्टोरी थी उतना कुछ अब हमारे बीच रह को नहीं रहा, ये मतलब सब कुछ बदल रहा है। चलो जो तो मेरी बहन पुरानी है उन्हें तो मतलब जो मतलब मेरा पुराना परिवार है पुराने न्यू मेरे लिए नए ही हैं उन्हें तो सब पता भी हमारी लव स्टोरी के बारे में क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, पर जो नई मेरी बहन है जिनको नहीं पता तो उनको भी आज मैं बता देती हूँ अपनी लव स्टोरी के बारे में। मन तो करता नहीं है मतलब बताने का क्योंकि ना मतलब कुछ हो गया जैसा पहले था वैसा कुछ अब रहा ही को नहीं, सब बदल गया एकदम जैसे मौसम बदलता ना एकदम काले बादल आ जाते हैं और फिर साफ हो जाता है मौसम, तो ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में मेरी जिंदगी में पहले मौसम बिल्कुल साफ था और काले बादल सारे मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा। तो भाई सबसे पहले मतलब मेरे पति और मेरे कैसी मुलाकात हुई कैसी आ मतलब, तो मैं कॉलेज में जाया करूँ थी और मेरे हस्बैंड जी सच्ची लव स्टोरी अभी कोई झूठ नहीं है इसमें सच बताने लग रही हूँ आज आप लोग मेरे मुँह से सच सुन लो। तो मतलब मैं कुछ दिन क्या हुआ मैं कॉलेज गई थी और क्या बोलते हैं नवंबर में हुई थी हमारी 22 नवंबर को शादी हुई थी हमारी, तो मतलब 18 नहीं सच वो तो मतलब पहले आए थे वो हमारे गांव में, तो वो तो पहले मतलब हमारे गांव में आए थे उनका आना जाना था हमारे पड़ोसी के वहाँ मतलब पापा जी का जो मेरे ससुर जी थे तो वहाँ आते रहते थे वो उनके घर हमारे पड़ोसी है मतलब थोड़ी सी दूर है हमारे घर तक, तो उस दिन मैं मतलब शाम को बहुत लेट अपने मतलब घर आई थी क्योंकि 5 बजे तक मेरी क्लास थी कॉलेज में एक लास्ट क्लास होती थी हमारी फिजिकल की, तो मतलब 5 बजे तक, तो उस दिन मैंने जाना था अपने बुआ के घर, बुआ का घर भी मेरा नज़दीक ही है मतलब मेरी बुआ की बेटी वहाँ पे अकेली थी तो उनके घर जाना था, मेरी बुआ डॉक्टर के पास गए थे तो जल्दी जल्दी मैं घर आई, तो मैंने मतलब किराए को नहीं रह रहा था मेरे पास मेरे बुआ के घर जाने का, तो मैं सबसे पहले अपने घर आई तो तब तक मतलब बहुत लेट हो गई थी, जब मैं घर आई 5:30 मतलब इतना टाइम तो हो गया होगा, मैं जल्दी जल्दी घर आई मेरी मम्मी ने मेरे पे मतलब जल्दी जल्दी मेरी मम्मी ने पैसे दिए मेरे को और मैं चली गई, तो वहाँ पे खड़ा मतलब मेरा भाई लग गया वो छोटे छोटे थे तब तो बड़े बड़े हो रहे मतलब तो 5 साल की बात होगी 5 साल में इंसान कितना चेंज हो जाए, तो मेरे भाई खड़े थे वहाँ 2-3 और वो थे कुसुम थी जो मेरी ननंद मतलब छोटे वाली मेरी ननंद का पति था भाई उसका कुसुम का नहीं दूसरी ननंद का और मेरे पति खड़े थे, तो ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी और मतलब सर्दियों का टाइम था नवंबर में तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो हमारे का नहीं तो मतलब जल्दी अंधेरा हो जाया करा था, तो बस भी मतलब जड़े हमारी बस आवा नहीं और 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और अंधेरा कितना जल्दी होगा और सर्दियों में बहुत अंधेरा हुआ, तो मतलब घर तक 1 किलोमीटर दूर अकेले खड़ा होना वो वहाँ पे खड़े थे मतलब छत के ऊपर जो कर हमारा घर उससे नीचे वो खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा भाई कि आपने आना है पवन पवन है उसका नाम मेरा भाई लग गया, तो मैंने उससे कहा मैं पवन अपने दोस्तों ने घुमा ले चल ऐसे ही मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया ऐसे मैं किसी के साथ फालतू बात को नहीं कर रही, और उस दिन पता नहीं मगा मैंने ये सोचा था मगा इनके पास गाड़ी है चाबी ले रही थी यहाँ गाड़ी की मैंने गाड़ी देखी थी इनकी मतलब घर आए कर वो मेरे भाई लग गया, तो मतलब इन्होंने भी मैंने इतना कहा अपने दोस्तों ने घुमा ले चल इन्होंने भी एकदम ही हाँ भर ली मतलब मेरे पति ने भी और उन्होंने जो उनके साथ थे उनकी बहन और क्या बोलते उनके बहन के पति, तो वो जल्दी जल्दी पवन जो मेरा भाई वो ले आया और हम नीचे चले गए, वहाँ रास्ते में मेरे को मेरे भाई मिले मतलब जिनके घर आए हुए थे उनका भाई मैं आपके मेहमानों ने घुमान ले चलूँ, पहले तो मैंने ये सोचा था ये नहीं भाई मैंने सोचा था कि भाई ये मेरे को मतलब मेरे बुआ के घर ही छोड़ देंगे, मैंने सोचा था मगर जब तक मेरी बस आएंगी वहाँ तब तक ये खड़े रहेंगे और मैं मेरे को डर भी नहीं लगेगा और ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, पर इनके पास गाड़ी थी इन्होंने गाड़ी निकाली फिर मेरे जब जहाँ हम नीचे आए मतलब अपने घर से थोड़ी सी दूर पैदल नीचे आए वहाँ पे मतलब हमारे डायरेक्ट हमारे घर के पास गाड़ी नहीं जाती पहाड़ों में भाई इतनी सुविधा नहीं है कि डायरेक्ट घर में गाड़ी घुसा दे,
तो वहाँ पे हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और इन्होंने मेरे को मतलब मेरे बुआ के घर छोड़ दिया। रास्ते में इन्होंने बोला कि आपके पास फ़ोन है, नंबर दे दो, वो दे दो। पर मतलब उनके बहन के पति भी थे भाई, इतना कुछ बात नहीं हुई, हमारी शर्म सी भी आई। और फिर मैं मतलब अपने बुआ के घर 5 मिनट में पहुँच गई, 5 मिनट का रास्ता गाड़ी में। तो और फिर मैं चली गई और मैंने इनकी बहन को बाय भी किया, हम घर चले गए। तो उसके बाद मतलब कोई हमारी बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं ना मेरे दिमाग में भाई इनके बारे में मैंने कभी सोचा। और सच बता लूँ, जैसे पहले मैं रोज़ कॉलेज जाती थी वैसे मैं कॉलेज गई बढ़िया तरिया। फिर एक दिन मतलब फ़ोन आया, इन्होंने मतलब मेरी फ्रेंड मतलब हमारे गांव का मतलब भाई लगता है मेरा गांव का, क्या हमारे मतलब पड़ोस का ही, हमारे जस्ट घर में मतलब छोटा सा हो, इतना बड़ा भी नहीं है। तो उससे मतलब फ़ोन किया उसने, उसको बोला कि ये प्रिया का नंबर है, ऐसी झूठ बोल के कि यार लग नहीं रहा ये। उसने बोला कि ये नहीं है उसका नंबर, पर ये है लड़की बनकर उसने मेरा नंबर लिया। फिर इनका फ़ोन आया उस दिन एक बार कि मैं वो बूढ़ा हूँ कुलदीप जिसने मतलब आपको गाड़ी में छोड़ा था। मेरे को याद कुछ नहीं, मतलब मेरे को मेरे दिमाग में थी याद भी नहीं रह रहा था मेरे को। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कौन होगा, किसने छोड़ा था मेरे को, मेरे बुआ का घर मैं कौन थी, उनकी बहन भी थी, ऐसा ऐसा बोला इन्होंने। मैंने एक घंटे तक तो ये सोचा, फिर याद आया मेरे को, मैं अच्छा वो। फिर मतलब ऐसे ऐसे मतलब दूसरे दिन मैं कॉलेज चली गई, ऐसी हमारी पूरे दिन बर्बाद हुई। कॉलेज में कोई क्लास नहीं लगाई क्योंकि नवंबर में भाई टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे, मतलब स्कूल में जो हमारे कॉलेज के पास एक बहुत बड़ा स्कूल भी है तो वहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, मतलब कबड्डी बहुत सारी टीमें आई रहती है स्कूल में। तो हम वो देखने लग रहे दिन भर, मैंने उनसे बात की, रुक जा बेटा 2 मिनट। तो मैंने मतलब उनसे दिन भर बात की, फिर उन्होंने बोला आप मेरे से शादी करोगे, मतलब इतनी सी बात। और फिर हमने रात को थोड़ी सी बात की, उन्होंने बोला मैं तो आ रहा हूँ आपको लेने। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी बाद में। तो मतलब उन्होंने बोला कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैंने क्यों पागल हूँ, मैंने मजाक मजाक में सच्ची में आज सच बात बता रही हूँ, और मजाक मजाक में मैंने भी कह दिया ठीक है आ जाओ। तो मतलब इनकी मम्मी, इनके पापा, मेरे हस्बैंड के पापा और मम्मी और मेरी जो ननंद है बड़ी वाली ननंद से छोटी ननंद है वो मेरी, और मेरे पति से वो बड़ी है। तो मतलब वो ननंद आई थी मेरी और उनका एक बेटा आया था। तो मतलब जो मेरे सास ससुर है वो तो रहे थे मतलब पौन टाइम में, जो हमारा शहर पड़ता है वो वहीं पर रहे थे। मेरी ननंद और मेरे पति ऊपर आए थे मतलब जहाँ पर हमारा मतलब मेन स्टेशन है। तो रात भर ये 2 बजे आए थे रात के, वहाँ पे पहुँच गए थे ये 2 बजे रात के, और छोटा सा बच्चा भी था इनके साथ। रात भर इन्होंने मैंने मतलब बात नहीं करी रात को, सुबह ये मेरे को लेने आ गए थे, इन्होंने रात को ही लेने आ गए थे। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि क्या बोलते आप आ जाओ हम तो आ गए। मैंने एकदम मैसेज किया मगर मैं नहीं आ रही हूँ कुछ भी मतलब आपके साथ, मैंने नहीं आना, नहीं मैंने क्यों आना। तो मतलब एकदम ही फिर ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, क्यों नहीं आना, हम इतने दूर से आए। फिर मैं इनसे मिलने आ गई और मेरी बहन पता क्या बोल रही थी, मैं अपनी बहन की जुत्ती पहन के आई और एक सूट मैंने अपने पर्स में डाल लिया था। तो मेरी बहन बोल रही थी कपड़े काले जा रही है कपड़े, मैंने बोला मुका मेरी फ्रेंड मंगा रही है मेरे कपड़े और उसने चाहिए, कॉलेज में फंक्शन है। तो मैं उस दिन ना बारिश वाला मौसम था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी और मैं 7 बजे उस दिन घर से आ रही थी, मतलब 8:30 बजे हम घर से आते थे, 8:30 बजे बस आती थी हमारी कॉलेज की। तो उस दिन मैं आ रही थी जल्दी जल्दी और मतलब गाड़ी ये भी आ गए थे, मतलब एक स्कूल है रास्ते में छोटा सा, 5वीं तक पढ़ाते वहाँ पे, वहाँ पे मैं बैठ ली थी जल्दी जल्दी गाड़ी में। मेरी ननंद थी, मेरे हस्बैंड जी थे, उनका बेटा था मेरी ननंद का। तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और यहाँ पे मतलब आ गए थे और यहाँ पे हम 3-4 बजे पहुँचे थे जो हमारा मेन बाजार लगता है इनका यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने मंदिर में पंडित जी, उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड जी ने अपनी बुआ को फ़ोन कर लिया था और बुआ जी ने पंडित जी को तैयार कर लिया था, सब कुछ मतलब बरमाला वगैरह सारा सामान एक उधर तैयार था। और हमने उस मंदिर में बिल्कुल शादी की थी, अभी तक उनकी फ़ोटो भी है, सब कुछ है। उसके बाद हमने शादी की, घर आए, घर में भी जैसे बहू को लाते बिल्कुल पूरा मतलब वो कराया था रीति रिवाज से। उसके बाद हमने मतलब 1 महीने बाद कोर्ट मैरिज भी करी थी, सारे सर्टिफिकेट अभी भी है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ऐसे ही जैसे बाग के आते तो उसके बाद कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी नहीं, हमने बिल्कुल कोर्ट मैरिज भी कर रखी है, शादी भी कर रखी है, मंदिर में शादी कर रखी है, प्रूफ है सारा कुछ मेरे पास अभी भी। पर मैं अब अपने पति से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मतलब कुछ नहीं कर सकता, मैं सोच भी तलाक ही सही है और कुछ नहीं है। तो मतलब ये कुछ ऐसी हमारी लव स्टोरी थी। उसके बाद भी मतलब यानी कि हमारी लव स्टोरी बस इतने में ख़त्म होगी, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आई। मेरे मम्मी पापा को मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मेरे भाई और मैं यहाँ पे आए थे, मतलब मेरे को मतलब थप्पड़ भी मारा था, मेरे को ले जा भी रहे थे, पर मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल आई थी 6-7 महीने तक तो कि पूछो मत, ऐसे लग रहा था कभी ये प्रॉब्लम्स ठीक भी होगी, पर भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया था। सारे मतलब आना जाना बिल्कुल बढ़िया तरिया, मेरे मम्मी पापा भाई मुझे नहीं बता भी, मैंने लगता है मेरे मम्मी पापा खुश थे, पर वो मतलब दिखावा तो करते थे भाई हम खुश हैं, हमारी बेटी खुश है, पर मेरे पति ने एक भी काम वैसा नहीं करा क्या जिससे हम कह सके हम खुश हैं।